नहीं ठीक है, उनका जो भी ईडी वाले अपने रिमांड पर रखे हुए थे, रिमांड अवधि उनका ख़त्म हो चुका है, तो ख़त्म हो चुका है तो उनको कस्टडी पर हटवार में रखा गया है और उसके बाद में जो होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हेमंत सोरेन जी का कहीं नाम ही नहीं है, इनके खिलाफ कोई साक्ष्य है ही नहीं, ये कुछ किए ही नहीं है, फिर ज़बरदस्ती इनको रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए न्यायालय में हम लोगों को भरोसा है, इसलिए न्यायालय से न्याय मिलेगा, हम लोगों को भरोसा है। न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं, क्या रहेगा आगे का कार्यक्रम? देखिए हम लोगों को तो एक आप देखे होंगे, अभी तो आप लोग गए थे, बाबू वाटिका गए थे कि झारखंड झुकेगा नहीं, हेमंत है तो हिम्मत है, ये हम लोग का जो स्लोगन है ये हमेशा रहेगा और न्याय पे पूरा भरोसा है, जरूर न्याय वो तो हम लोग जान ही रहे, आप लोग की तरफ छुपा नहीं है कि सिविल का मामला था, जबरदस्ती उनको केंद्र के द्वारा फंसाया गया है, ये साजिश के तहत जो उनको फंसाया गया है, न्यायालय पे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि उनको इतना यहाँ से न्याय मिलेगा और कुछ ही दिन में हेमंत भैया बाहर दिखेंगे। आगे आप लोग कैसे सबका कार्य? हम लोग का कार्यक्रम अभी ये है कि हर जिला से लोग आएंगे और अनशन में हम लोग बैठना है, भूख हड़ताल करना है, 24 जिला के हर दिन लोग आएंगे, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग पदयात्रा हर पंचायत में हम लोग जाएंगे, हर प्रखंड में जाएंगे और पदयात्रा निकालेंगे और हेमंत भैया की जितनी भी जो उपलब्धि है का वो उसको बताएंगे। एक न्याय यात्रा भी आप लोगों की पार्टी की ओर से निकालना? जी जी वही मैं बोल रहा हूँ कि जो न्याय यात्रा निकाला जाएगा वही अब इसके कल से हम लोग को न्याय यात्रा हर पंचायत हर प्रखंड में निकाला जाएगा। बीजेपी को करारा जवाब 24 के चुनाव 2024 में करारा जवाब तो ये जो झारखंड की जनता है 3.5 करोड़ जनता है ये देगी जवाब और हम लोग के पूर्ण विश्वास है और पूर्ण बहुमत के साथ जेएमएम सरकार अकेले बलबूते पे इस बार बनाएगी अपनी बहुमत साबित करेगी। मेरा नाम मोहम्मद फरीद खान, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष। देखिए आप सुने होंगे, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डर थे वही बात हो गई, अभी राज्यसभा का चुनाव होगी, संसद का, विधायक का चुनाव होगी और माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो फंसाया गया ईडी 13 रोज, कौन पूछताछ कर रहे हैं मेरे भाई? प्रशासन तो 1 घंटा में पूछ के सारा बात बोलता है कि कर लो और चालान कर देता है, आपने 13 रोज के बाद चालान करते हैं, क्या सोचते हैं कि वो झुक जाएंगे? वो 3.5 करोड़ जनता की लाज रख दिए, मान सम्मान इज्जत रख दिए, बोले हम नए भारतीय जनता पार्टी का गोद में बैठेंगे नीतीश बाबू ऐसा, और उन्होंने मान सम्मान इज्जत रख दिए, जेल जाना मंजूर किए, झुकना मंजूर नहीं किए। मैं पूर्व मुख्यमंत्री को 3.5 करोड़ जनता की ओर से हेमंत सोरेन को सलाम करते हैं कि ऐसा हो मुख्यमंत्री हो, दलित का मुख्यमंत्री था वो, आदिवासी था इस वजह से जुल्म किया, अभी विधायक चुनाव हो रहा है, AVM से नहीं हो, इसका लिबड़ी बर्तन सब साफ हो जाएगा। बहुत सा ऐसा नेता घोटाला किया, उसको कहने पकड़ रहा, सीपी सिंह को कहने पकड़ रहा, सुदेश महतो को कहने, सुदेश महतो 25 साल पहले रोड में सड़क में था, अरबों खरब का मालिक है, कहां से पैसा लाया? और ये हेमंत जी का तो जमीन का पाक साफ हो गया, फिर भी जेल जाइए, ये सरकार है हिटलर का सरकार, ये सरकार नहीं चलने वाला है। अभी किसान जाट आंदोलन किए थे, 900 लोग की मौत हुई, NRC में कितने की मौत हुआ, कब तक आप सताइएगा? जनता जाग चुकी और ख़ास करके जनता ये जागी हुई है कि हेमंत सोरेन अच्छे थे, बेहतर थे, वो सरकार में फिर आएंगे। और अपना मुख्यमंत्री गर्व के साथ बोलते हैं वो झुके ने, दिल दिया है जान भी देंगे झारखंड के लिए, वो झारखंड के लिए अपने जेल जाना मंजूर किए, साबित कीजिए ना, प्रूफ कीजिए ना। आप सुने होंगे तारीख पे तारीख, आप 13 रोज का तारीख दिए और जेल भेज देते हैं, ये इंसाफ तो कहा गया ना, खुदा भी देख रहा वो भी उस गॉड देख रहा, चैट पैट जो सामने आ रही है वो लोग छिपा रहे हैं, बता नहीं रहे संपत्ति का, तो कहाँ आप प्रूफ कर रहे हैं? प्रूफ कीजिएगा ना, 13 रोज में आप बेहतरीन पत्रकार है और एशिया में नहीं पूरे वर्ल्ड का 4th स्थान आते हैं,
आप लोग बेहतर जानते हैं कहाँ प्रूफ करने सके, प्रूफ कीजिए ना। 13 रोज में अभी तक खजाना निकल जाता, यहाँ से अमेरिका तक रोड बन जाता चाहता सरकार, तो कहाँ प्रूफ करने सका। मैं झारखंड की जनता से दिली गुजारिश करना चाहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, और वो बहुत जल्द बाहर आएंगे और फिर से इस राज को बेहतर चलाएंगे, इस झारखंड के सरजमीन को चलाएंगे। आपका विश्वासी मोहम्मद फिरोज अंसारी। झारखंड की आवाज़ YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।